गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आज 28 दिसंबर। आज कितनी तारीख है? 29 दिसंबर। हम पढ़ेंगे 28 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी के तौर पर, ठीक है, क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय महामारी, अंतर्राष्ट्रीय महामारी के तैयार दिवस मनाया गया। कितनी तारीख को ये मनाया गया? 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तैयार दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? WHO के द्वारा। इसके द्वारा यह दिवस पहले दिसंबर 2020 में मनाया गया था। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम ये बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोगों को सभी स्तरों पर महामारी के बारे में जानकारी महामारी के बारे में जानकारी या जागरूक सॉरी जागरूक महामारी के बारे में जागरूक जागरूक करना, जागरूकता को बढ़ावा देना बढ़ाना और महामारी के तौर पर इस चीज को जागरूकता देना और भविष्य के प्रकोप के लिए तैयार होना। ठीक है, क्या था इसका उद्देश्य? क्या था? लोगों को सभी स्तरों पर महामारी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और भविष्य में इसके प्रकोपों के लिए तैयार रहना। ठीक है, UN का उद्देश्य क्या था? इसमें UN ने अपना उद्देश्य अलग बताया है। UN का उद्देश्य क्या था? UN का उद्देश्य था वन हेल्थ। ठीक है, ये किसका उद्देश्य है? UN का उद्देश्य है। UAE द्वारा क्या हुआ? UAE द्वारा भारत UAE ने भारत में अंडे व पोल्ट्री उत्पादनों क्या किया कि आयात का प्रतिबंध हटा दिया। क्या दिया UAE ने? क्या किया भारत के सभी आयातों पर, मतलब किसके पोल्ट्री और अंडे के उत्पादों पर सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। क्योंकि किसके द्वारा हटा दिया? भारत ने क्या किया? दिल्ली की गारंटी पे की वर्ल्ड फ्लू के सभी बर्ड फ्लू के संक्रमण से सभी प्रकार के जैव सुरक्षा मापदंडों पर आधारित कि हम आपको दिल्ली की गारंटी पर क्या दिया है कि भारत ने कहा है कि बर्ड फ्लू के किसी भी संक्रमण को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मापदंडों का हम पालन करेंगे ठीक है, जिससे कि बर्ड फ्लू का कोई खतरा ना हो। ठीक है, इस गारंटी पर क्या किया उन्होंने? इसको मंजूरी दे दी। किस चीज़ को? कि भारत द्वारा अंडे और उसका पोल्ट्री फॉर्म का क्या किया जा सकता है, आप हमें यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, और अमेरिका के बाद भारत दूसरा निर्यातक बन गया इसके साथ ही। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बन गया। ठीक है,
और FYA 20 इसमें यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या है आयातक, मतलब क्या है सबसे बड़ा व्यापारी है। व्यापारिक है ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार यूएई में होता है, तीसरे स्थान पर भारत के द्वारा या यूएई में व्यापार तीसरे स्थान पर होता है। ठीक है, रूस ने क्या किया, रूस ने हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5, रूस ने हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 किसके रूसी अंगारा A5 को क्या किया, ऑर्गजेनिक्स क्षेत्र में, ऑर्गजेनिक्स क्षेत्र के प्लांट्स कॉस्मोड्रॉग ठीक है कॉस्मोड्रॉग में से प्रक्षेपित किया। क्या क्या रूस ने हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 का ऑर्कडेक्स क्षेत्र में कॉस्मोड्रॉग से क्या किया, इसका प्रक्षेपित किया जिसका सफलतापूर्वक क्या हो गया, मतलब प्रक्षेपित किया जो कि सफलता जिसका परीक्षण सफलतापूर्वक हो गया। ठीक है, इसमें यह पहला इसका पहला परीक्षण कब हुआ, इसका पहला परीक्षण हुआ था 2014 में। ठीक है, और अंगारा A5 इसकी क्या तकनीक है, यह प्रोटॉन एम हैवी लिफ्ट रॉकेट रॉकेट को बदलने के लिए डिजाइन है, ठीक है, क्या है ये अंगारा A5 प्रोटोन एम को हैवी लिफ्ट रॉकेट ठीक है को प्रक्षेपित करने के लिए ये रॉकेट को मतलब हैवी लिफ्ट रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए बना सकता है, किसके द्वारा, कौन सी अंगारा A5 प्रोटोन एम के हैवी लिफ्ट रॉकेट में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये प्रोटोनों को हैवी लिफ्ट रॉकेट में बदल देगा। ठीक है, EECL की सहायक कंपनी, इस सहायक कंपनी का क्या नाम है, EECL की सहायक कंपनी CESL ठीक है, EL की सहायक कंपनी ECESL का क्या है, एनर्जी फ्रिक्वेंसी सर्विस लिमिटेड EFCL एनर्जी इसमें डबल ई होगा एनर्जी फ्रिक्वेंसी सर्विस लिमिटेड की सहायता कंपनी कन्वर्ज एनर्जी क्या हुआ ग्रामीण क्या कर रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं कंपनी, ये लोग ग्रामीण उज्ज्वल कार्यक्रम के तहत किसके ग्रामीण उज्ज्वला कार्यक्रम के तहत क्या करेंगे, ये लोग 50 लाख एलईडी बल्ब खरीदेंगे और क्या करेंगे ये लोग ग्रामीण उज्ज्वल कार्यक्रम के तहत ये 50 लाख एलईडी खरीदेंगे और ग्रामीणों में वितरित करेंगे। ठीक है, इसमें CESL ने अपनी उज्ज्वला प्रोजेक्ट में
करोड़ों की तरह, करोड़ों के तहत यूपी बिहार, करोड़ के यूपी बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी बिहार आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तेलंगाना ठीक है। यहाँ क्या किया इन्होंने इस चीज़ का ग्रामीण परिवारों के लिए क्या किया इन्होंने करोड़ों एलईडी बल्ब इन्होंने यूपी बिहार तेलंगाना कर्नाटक आंध्र प्रदेश में क्या किया इन्होंने वितरित कर दिए ठीक है। किसके तहत? उज्ज्वल योजना के तहत इस चीज़ को वितरण किया गया ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने 27 दिसंबर को कितनी 27 दिसंबर को क्या मनाया है? मानव और जीव मंडल कार्यक्रम ठीक है। किसी तारीख को मनाया? 27 दिसंबर को मानव और जीव मंडल कार्यक्रम मनाया है। जे किसके उसमें मनाया गया है? MBA मतलब इसी कार्यक्रम की 50वीं गांठ भी वर्षगांठ है ठीक है। ये 50वीं वर्षगांठ है इसके तहत मनाया गया। इसमें आज से इसमें 727 संरक्षित जीव ठीक है। इसमें जीवों को संरक्षण के लिए इसको बनाया 727 संरक्षित जीव मंडल ठीक है। और 131 देशों में प्रकृति संरक्षण और सतत विकास की एकीकृत किया है ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जीव मंडल किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए किसी भी प्रकार के विकास में ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को बताया। किसके द्वारा बताया गया? ये बताया गया संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और उनकी संस्कृति के संगठन द्वारा ये बताया गया कि किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना, जितने जितने लोगों को जोड़ोगे उतनी वीडियो बढ़ेगी, नहीं तो कम होती जाएगी।